हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कचौड़ी। सबसे पहले हम ले लेंगे गेहूं का आटा। ये देखिए, हमने गेहूं का आटा ले लिया। थोड़ा सा हम डाल देंगे बेसन। बेसन डालने से थोड़ा अच्छा बनता है, उसमें थोड़ा स्वाद आता है। अब हम थोड़ा चावल का आटा ले लेंगे। मैं चावल का आटा डाल के थोड़ा सा उसे मिक्स कर लूँगी। ये देखो, मैंने सब आगे पीछे करके पूरा मिक्स कर लिया है। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 2 चम्मच के लगभग में अजवाइन डालेंगे। ये देखो मेरा अजवाइन, अब उसमें डाल दी थोड़ा सा उसमें। फिर उसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, जैसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब उसमें हम डालेंगे नमक, 2 चम्मच डाल दूँ मैं। इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूँ। आप उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा, क्योंकि आटा अपना सॉफ्ट हो जाता है। उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और उसे अच्छे से हम गूनेंगे। ये देखो, मैं अच्छे से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आटा पानी डाल के उसे गून रही हूँ। फाइनली अब मैंने अच्छे से गून लिया, देख लीजिए जी। आप भी ऐसे गूनिएगा। अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब उसे हम साइड कर देंगे। अब मैं मिर्ची और लहसुन को जार में खाली करके उसे दरदरा पीस लूँगी। मैंने उसे दरदरा पीस लिया और साथ ही मैंने उबले हुए आलू को भी छील लिया। छीलने के बाद उसे अच्छे से हम मैच कर लेंगे। ये देखो, मैंने बटाटे को अच्छे से मैच कर लिया है। अब उसे अच्छे से एकदम बारीक करेंगे, जिससे हमें आटे में भरने में आसानी रहे। ये देखो, मैंने अच्छे से कर लिया है। मैं गैस पर रखी थी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। ये देखो, हमारा तेल गर्म हो गया। अब उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच राई डालेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद अब उसे थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं उसे अच्छे से चला लेती हूँ। हमने जो मिर्ची और लहसुन को पीसा था, अब उसमें डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। मैं देखो पूरा डाल दे रही हूँ और फिर उसे अच्छे से चलाऊंगी। अब देखो, मैंने उसे चला दिया है। 2 मिनट उसे चलाएंगे, फिर उसमें हम धीरे धीरे करके बटाटे सारे डाल देंगे जो हमने अच्छे से मैच किया है। अब ये देखो, मैंने उसे पूरा डाल के उसे अच्छे से चला रही हूँ। अब देखो, उसे आगे पीछे जो भी जिसे अच्छे से हम चला देंगे। मैं मार्केट से एवरेस्ट का मसाला लाई हूँ और उसे 1 चम्मच वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे डाल देंगे। ये देखो, मैंने डाल दिया है। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा कटी हुई धनिया डाल देंगे। अब उसको हम अच्छे से धीरे धीरे करके चलाएंगे। ये देखो, मैंने पूरा धनिया डाल दिया अच्छे से। अब उसे हम धीरे धीरे करके उसे चलाएँगे। फाइनली हमारा चोखा अब तैयार हो चुका है। उसे हम एक थाली में खाली कर लेंगे। ये देखो, मैं पूरा चोखा खाली कर रही हूँ। हमारा चोखा तैयार हो चुका है, उसे साइड कर देंगे। अब हमने जो आटे को गून के साइड किया था, और हम छोटे छोटे टुकड़े आटे की छोटी छोटी लोइयाँ हम तैयार करेंगे। फिर उसे अच्छे से, ये देखो, मैंने सब छोटा छोटा करके अलग कर दिया है। हम कचौड़ी का सेटअप तैयार करते हैं। ये देखो, मैं छोटा छोटा कटिंग करके रख दी हूँ। अब उसमें से हम देखो एक लोई को उठा के उसको अच्छे से टिक्की बनाएंगे। ऐसे ही सेम सारी लोइयों को टिक्की बना देंगे। ये देखो, उसे अच्छे से हम कटोरी जैसे बनाएं, जिसे हम आलू अच्छे से भर सकें। अब ये देखो, मैं थोड़ा जो चोखा बनाई उसमें धीरे थोड़ा सा डालूंगी, उसे धीरे धीरे से अच्छे से आगे पीछे घुमाऊंगी। जैसे हम मोदक नहीं भरते, उसी तरह हम इसको भी भरेंगे। अब ये देखो, मैंने अच्छे से भर दिया है। अब उसका मुँह अच्छे से बंद करके उसे चपटा कर देंगे। ये देखो, हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है। यही प्रोसेस मैं सब में फॉलो करूँगी। देखिए, मैंने सब फाइनली चोखों को आटे में भर लिया। ये देखो, हमारी कचौड़ियाँ अब तैयार हो गई हैं। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। हम धीरे धीरे एक एक करके उसमें सारी कचौड़ियाँ डाल देंगे और स्लो आंच में उसे पकाएंगे। स्लो आंच में पकाने से हमारी आलू की कचौड़ियाँ अच्छे से पक भी जाएंगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। अब थोड़ा टाइम उसे तेल में पकने देना है और उसे धीरे धीरे हम चलाएँगे। अब फाइनली हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी है। ये देखो, हमारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।